हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें पैसा डिपॉजिट कैसे करते हो, वो भी आपके पेटीएम वॉलेट से। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और देखिए कि कैसे हम लोग का जो पेटीएम वॉलेट में जमा हुआ पैसे को हम लोग जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर जो पैसे को डिपॉजिट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आपको जो है आपका पेटीएम ऐप्स को ओपन करना है। ओपन होने के बाद जो पासबुक सेक्शन में जाना है, पासबुक सेक्शन पे जाने के बाद जो कि आपको बैलेंस आपको दिखा रहा है पेटीएम वॉलेट पे मेरा इतना है। तो पेटीएम बैंक सेविंग अकाउंट जो है हम लोग इसमें जो है पैसा को ऐड करेंगे अपने पेटीएम वॉलेट से। तो कैसे करेंगे, उसके पहले जाना है आपको बैंक वाले ऑप्शन को। बैंक वाले ऑप्शन के जाने के बाद जो हमने पासवर्ड डाला है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जाना है आपको जो ऐड मनी ऊपर करके ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ऐड मनी पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। मिनिमम अमाउंट आपको जो है 100 रुपया से स्टार्टिंग है, तो आप जो यहाँ पे 100 डालने के बाद जो है पेटीएम वॉलेट पे चलिए एंड जो कि आपका ट्रांजैक्शन पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेगा। वहाँ पर जाके नीचे आके कंफर्म मनी ट्रांसफ़र पर ओके कर दीजिए एंड ओके हो जाने के बाद जो है आपको जो 100 रुपीज़ जो सेविंग अकाउंट्स में आप जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। चाहे तो आप 100 के उससे भी ज़्यादा आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट जो है इसमें डाल के मैंने आपको दिखाया और मेरा सेविंग अकाउंट में जो दिखा रहा है उसे देख सकते हैं कि मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है उस वहाँ पर मनी रिसीव 100 रुपीज़ जो है सक्सेसफुली हो चुका है। चाहे तो आप यहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट पर जाके आप सारा स्टेटमेंट को जो है आप भी कर सकते हैं, जिसको भी आप आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसा को ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। देखा किस तरह से आप आपके पेटीएम वॉलेट के जो अमाउंट है उसको सक्सेसफुली जो है सेविंग्स अकाउंट में पैसे को ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।